दर्रा पुलिस ने ओलग साइट पर अकाउंट बनाकर गाड़ियों की खरीद फरोख्त पर ठगी करने वाले जालसाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए सातिर के पास से दो बस स्कॉर्पियो समेत चार बड़ी गाड़ियां हुई बरामद। जी हां, आपको बताते चलें, सीतापुर निवासी प्रदीप नाम के युवक ने बर्रा थाने में अपने साथ गाड़ी खरीदने को लेकर हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की थी, जिस पर पुलिस जांच कर रही थी। क्षेत्राधिकारी वीके पांडे ने बताया कि मूल रूप से औरैया का रहने वाला समी अहमद नाम के व्यक्ति के खिलाफ गाड़ी की खरीद के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी, जिसने माल रोड पर बकायदा अपना ऑफिस बना रखा था, जहां पुलिस ने छापेमारी कर उसे दबोच लिया। वहीं पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया समी अहमद ओलेक्ट के जरिए गाड़ियों की खरीद फरोख्त करता है और लोगों को जाली कागज के माध्यम से लिखा पढ़ी कराकर पैसे ऐंठने का काम करता है, जिसके पास से पुलिस ने दो बस, ट्रक और स्कॉर्पियो समेत चार बड़ी गाड़ियां बरामद की हैं। वहीं पकड़े गए सातिर के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में धोखाधड़ी और जालसाजी के साथ साथ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। वहीं अन्य कितने लोगों के साथ ठगी हुई है, इसकी भी जाँच की जा रही है। प्रदीप सीतापुर निवासी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसकी जांच की गई। उनके द्वारा यह आरोप बताया गया था कि एक कारगिल पेट्रोल पंप के पास एक गैराज है, वहाँ एक गाड़ी को दिखा के इनसे सौदा किया गया और पैसा लिया गया, और उसके बाद जो है फर्जी अनुबंध पत्र बना के उनको दे के सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद न उनको गाड़ी मिली। इस संबंध की जांच करके इनका प्रार्थना पत्र जो है पे आधार पे अभियोग पंजीकृत हुआ था और उस अभियुक्त की तलाश थी। धीरे धीरे पता चला कि माल रोड पे इसने एक ऑफिस भी खोल रखा था, जिसमें ये ओलेक्स और के जरिए शमी अहमद इसका नाम है और औरैया का रहने वाला है। ओलेक्स के जरिए जो है प्रचार प्रसार करके लोगों से जो है इसी तरह के सौदेबाजी करता था और जो लोग इससे तय कर लेते थे उनका पैसा जो है फर्जी अनुबंध बना के ट्रांसफ़र कर लेता था। उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके कब्जे और उसके से जो है चार वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें दो बसें हैं, एक ट्रक है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी है। और ये शमी अहमद के खिलाफ जो है विरुद्ध जो है अन्य मतलब जनपदों क्या अंटर स्टेट से भी कुछ जो है कुछ लोगों के साथ ठगी करने की बात प्रकाश में आई है, उसकी भी जाँच चल रही है। और ये पूर्व में भी इसके खिलाफ गैंगस्टर के जो है मुकदमे की कार्रवाई हो चुकी है। मुकदमा 467-68, 420, 406 में पंजीकृत है। अभी तो ये बता रहा है कि मोबाइल को खुद ही ऑपरेट करता है, फिर भी इसके ऑफिस और इन सब के स्टाफ के बारे में चूंकि अभी 9 बजे गिरफ्तारी हुई है, सुबह 6:30 बजे गिरफ्तारी हुई, फिर अभी विस्तृत पूछताछ इससे शेष है। जल्द ही जो चीज़ें इससे पूछताछ में आएगी उसकी विवेचना करके जो है स्थापना किया जाए।